तो मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन। बच्चे हैं आपके पास अब एयरफोर्स के लिए 30 दिन। ये ड्यू टू कोरोना वायरस आपको इतना समय मिल चुका है, तो आप लोगों को कैसे वाई ग्रुप में, सॉरी वाई ग्रुप में इंग्लिश में तो आते हैं 20 क्वेश्चन, रागा जिसको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस कहते हैं इसमें आते हैं 30 क्वेश्चन। तो आपको इंग्लिश में 16+ और इसमें 25+ 25 लाना है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आई थिंक 41 हो जाएगा। और ये वीक स्टूडेंट के लिए वैसे लाने वाले इंग्लिश में तो 17-18+ भी लाते हैं, तो 42-43 हो जाएगा। मैं बताने वाला हूँ कि आपको अब पूरे 1 मंथ कैसी प्रिपरेशन रखनी है, सॉरी थोड़ी मेरी राइटिंग ख़राब हो रही है, कि आप इंग्लिश में कम से कम ना हो तो आप इंग्लिश में कम से कम 16+ ले आए। देखिए होता क्या है, इंग्लिश में पैसेज होता है सबसे मेन चीज़। पैसेज आपको 5 नंबर का आएगा, जो पिछले साल में कट ऑफ गया था। आपको 10 नंबर तो लाना ही है अगर इंग्लिश क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इट मींस मतलब आपको फिजिकल PFT के लिए अगर जाना है, आपका रागा कितना भी बढ़िया हो और 10 से कम आ गया, 9 आ गया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपका इंग्लिश में कितना भी नंबर आ गया, मान लीजिए 18+ भी आ गया, 19-20 वैसे आता नहीं है, 18+ भी आ गया और रागे में आपका 14 है, 12 है, 13 है, तो भी आप सिलेक्ट नहीं है। पासिंग नंबर तो आपको लाने ही हैं, रागा में लाने हैं आपको 15 और इंग्लिश में लाने हैं 10, यानी 25 नंबर, तो आपको PFT के लिए बुलाया जाता है, आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन PSL में जाके नंबर बहुत बढ़ जाता है। तो मैं बताने वाला हूँ कि आपको इंग्लिश में कैसे लाना है 16+। तो सबसे मेन चीज़ होता है आपका पैसेज। पैसेज इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ एक पैसेज डालूंगा, मैं पैसेज का वादा करता हूँ। अगर आपको पैसेज करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और करना क्या है, देखिए आपका सिनोनिम्स जो होता है वो 1 नंबर का, एंटोनिम्स भी आ जाता है 1 नंबर का, और इडियम और फ्रेज से भी 1 नंबर का आ ही जाता है। तो और एक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपके तो 4 नंबर तो ये आपके पक्के हो गए हैं, इनसे 4 नंबर हो जाते हैं आपके पक्के। एक फिर 5 नंबर पैसेज जो मैं कराऊंगा, और मैं बता देता हूँ, और मैथ रीजनिंग और GK GS के लिए भी मैं बता दूंगा कि आपको कैसे करना है तैयारी, जिसमें 100% आपको नंबर आए। सॉरी, तो आपको देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का हो जाता है पैसेज, और ये है आपका 5 नंबर का जो कि मैं कराऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जो वो कैब है, वो कैब हो जाता है आप लोगों का 4 नंबर का, और जो फिर आपका आता है टेंस, टेंस भी आपका 1 नंबर का होता ही है। डेफिनेटली जो आते हैं डेफिनेटली मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद हो जाता है नरेशन, ये भी आप लोगों का 1 नंबर का। फिर वॉइस आता है, ये भी 1 नंबर का आता ही आता है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का भी मैं PDF दे दूंगा, इसके लिए स्पेशल एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये भी 3 नंबर के आ जाते हैं। तो ये 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये हो जाते हैं आप लोगों के पूरे पूरे 15 नंबर के। अब 15 में और क्या प्लस करना है, देखिए 15 में फिर एरर आते हैं, एरर नाउन से भी हो सकते हैं, प्रोनाउन से भी हो सकते हैं, टेंस से भी हो सकते हैं, कंजक्शन, एडवर्ब और एडजेक्टिव से भी। तो एरर भी आपका 2-3 नंबर का आ ही जाता, 2 नंबर का ले लीजिए, 3 नंबर का नहीं। तो आपका 2+ = हो गया 17, ये तो हो गया। बाकी आप जितनी भी मेहनत करते हैं तो आपका 17+ आ सकता है।
तो बस यही है। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को अब रीजनिंग और जीके और जीएस के लिए बताता हूँ। आप लोग एग्जामपुर पे जाकर मोनिका मैम पढ़ाती हैं जीके जीएस। अगर आप इनका वीडियो रोज़ देखते हैं, 30 दिन का भी मैम रोज़ वीडियो करा रही हैं, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ रहेगा इनका। अगर वीडियो देखते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों के कम से कम 10 नंबर का, अगर 10 नंबर का आता है तो आप लोगों का 7-8 नंबर तो आना पक्के हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप पूरे पूरे ला सकते हैं, लेकिन जीके में नहीं, क्योंकि इसका कोई सर पैर नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और मैथ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बच्चे कहते हैं वीक है वाई ग्रुप वाले, तो मैथ आपको करना है वाईफाई स्टडी। वाईफाई स्टडी सर का नाम है, सर का नाम मैं बता सर का नाम वाईफाई स्टडी पे आपको मैथ पढ़ना है साहिल सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तो आपको पैसेज कहता हूँ, पैसेज करना होगा, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो पैसेज कराऊँगा, नहीं बढ़ेंगे तो ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। एडमिट कार्ड आ गए हैं, रिजल्ट आ गया, यही डाल के मेरा काम हो जाएगा। वाईफाई स्टडी पे साहिल सर पढ़ाते हैं, सबसे बेस्ट टीचर है मैथ के लिए। इनके प्लेलिस्ट उठाना, परसेंटेज से स्टार्ट करना, परसेंटेज आपका बहुत सारा कवर कॉपी कवर हो जाएगा परसेंटेज से। और अब बच गया आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग आप खुद से भी कर सकते हैं। बस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा। थैंक यू।